तो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, जो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो आ रही है SSB की तरफ से, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी है दोस्तों, ठीक है, उसका एक अंश है गाइस। तो उसमें हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रल, यानी कि अगर मैं आर्म फोर्सेस की भाषा में बोलूँ तो हवलदार की वैकेंसी निकली है। मिनिस्ट्रल स्टाफ में आपकी वैकेंसी निकली है गाइस, ऑल ओवर द इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या एजुकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे बाद में क्या होगा, कितनी फीस रहने वाली है गाइस, तो सब कुछ इसके बीच में हम आज डिस्कस करने वाले दोस्तों। सबसे पहले ये बोलूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके गाइस। तो गाइस, थोड़ी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है मुझे, सो इसलिए मैं आज थोड़ा इसमें हूँ, स्वेट शर्ट में हूँ, सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझसे लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, डिपार्टमेंट का नाम है SSB एंड यहाँ पे जो पोस्ट जो निकली है उसका नाम है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन लिमिट की। तो एजुकेशन में सिंपली अगर आपने 12th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे ICSE हो, चाहे NIOS हो दोस्तों, ठीक है, अगर आपने 12वीं पास कर ली है दोस्तों, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट में आपने पास की हो, चाहे आर्ट्स में की हो, चाहे कॉमर्स में की हो, चाहे साइंस में की हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं सबसे पहले आपकी एज लिमिट की। तो गाइस, ये एज लिमिट जो इसमें है वो मिनिमम रखी गई है 18 ईयर्स, यानी कि आप कम से कम 18 ईयर्स के होने चाहिए, एंड दोस्तों मैक्सिमम जो रखी गई है वो रखी गई 26, ठीक है। और अगर आप SC ST हो तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज दोस्तों, एंड आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों। तो जो EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको कैटेगरी, उनको एज में छूट नहीं मिलती है, उनको थोड़ी मार्क्स में छूट मिल जाती है, ठीक है। सो गाइस, ये है आज का टॉपिक एंड और डिटेल्स मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जैसे कि एंड ऑल्सो गाइस, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस साल दोस्तों, एंड इसके फॉर्म बहुत ही जल्द मे बी 20 या 21 अगस्त को बंद होने वाले हैं दोस्तों। एंड मैंने ट्राई किया फॉर्म फिलअप करने का, बट पता नहीं क्यों नहीं वो फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, एंड दे आर सेइंग कि आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है। तो गाइस, मैंने चेक किया, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए वैकेंसी है ही नहीं, सिर्फ लाहौल स्पीति एंड मंडी। सो ये दो डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी है हिमाचल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पार्शलिटी वाला काम हो चुका है, जो मुझे लग रहा है कि क्या कांगड़ा या किसी और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे क्या मेहनती नहीं होते। सो अगर ये कोटा रखना था तो पहले से ही मेंशन कर दिया जाना चाहिए था, हाईलाइट कर देना जाना चाहिए था, कोई भी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इवन जब उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन लगा रहे हैं SSB के, तो वो भी यही कह रहे हैं कि काम चल रहा है, हमारी साइट बिजी है। यार, 20 तारीख लास्ट डेट बची हुई है, काम तो कब तक चलेगा, आपकी साइट में कब तक ये टेक्निकल इशू है, कब तक ये लूप होल आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या, कितने सारे आपको बच्चे फ़ोन कर रहे हैं अलग अलग जगह से, और पहली बात उनका फ़ोन लगता है नहीं, और लग जाए तो वो फ़ोन काट देते हैं, पता नहीं गाइस क्या करते हैं। एंड लिटरली आई एम सेइंग, सो गाइस, कोई बच्चा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है उसने अप्लाई करने की कोशिश की है, उसका अगर अप्लाई हो गया या फिर मेरे जैसे इशू उसको आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना दोस्तों। एंड एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन दोस्तों मैंने बता दिया दोस्तों, एंड आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें जो आपको देखिए, आपको जो सबसे पहले आपका जो होना है दोस्तों वो होगा फिजिकल, फिर आपका होगा रिटन, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन एंडिंग आपका ज्वाइनिंग आपकी करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों इसमें बहुत ही आसानी से फिजिकल निकल जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, जो नॉर्मल जो फिजिकल होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो रहता है 1600 मीटर वगैरह, है ना, सो वह चीज़ें वही रहने वाली है दोस्तों, एंड बहुत ही अच्छी जॉब है SSB के दोस्तों, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। हाँ, थोड़ी कम निकली है, इतना मैं मानता हूँ कि कम निकली है दोस्तों, बट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ इसको ग्रैब कर लीजिएगा, जल्द से जल्द इसे ग्रैब कीजिएगा दोस्तों। एंड ऑल्सो कोई कांगड़ा वाला बच्चा है अगर, तो मुझे बताइएगा प्लीज़, ठीक है। सो कांगड़ा से कोई बच्चा है तो बताइएगा मुझे, या हमीरपुर से है कोई बच्चा तो बताइएगा मुझे, एंड ऐसे अपना प्यार बनाते रहिएगा दोस्तों। सो कौन कौन चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि लाइव कैसे इसको अप्लाई करना है SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रल को, कौन कौन चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो को देखा करो, शेयर कर दिया करो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, कोई मेरा देख ही नहीं रहा है चैनल को। सो गाइस,
मोटिवेशन दीजिए मुझे अभी आपके लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मैं लेके आऊँ दोस्तों, प्लीज़ मोटिवेशन दीजिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे मोटिवेशन देते रहो, एंड थोड़ी सी कमी है मोटिवेशन की आपकी वजह से दोस्तों, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते हो। एंड सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं की सब्सक्राइब कर लेना यार भाई, ठीक है। एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी मेरे दोस्त हैं। जय हिंद।